बेस्ट विशेज इनके साथ है और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें। ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, फॉर दी अचीवर्स को बुला बुला के उन्होंने सबको ऑनर किया है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, दे आर पीपल हु हैव रियली अचीव्ड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। रोल सर, रोल रगत भाई रोल। नाना नानी फाउंड तो फाउंडेशन तो हमारी पुरानी संस्था है जो हम नाना नानी पार्क मुंबई में बनाते थे। बाला साहेब जी ने और प्रमोद नवलकर जी ने मुझे प्रोत्साहित करा था कि ऐसा एक एनजीओ चलाया जाए, और सबसे पहला नाना नानी पार्क हमने चौपाटी में बनाया था सन 1998। तो नाना नानी फाउंडेशन प्राइमरली सीनियर सिटीजन कॉज पे काम करती थी, उनके हेल्थ केयर के लिए काम करती थी, और उनके चेहरे पे स्माइल कैसे आए वो हमारा मेन उद्देश्य था। लेकिन दो तीन साल पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पॉलिसी चेंज हुआ कि भाई लैंड अडॉप्शन पॉलिसी, गार्डन अडॉप्शन पॉलिसी चेंज हुई, तो हमने जो भी गार्डन्स बनाए थे उन्हें वापस ले लिया था। तो हम तब से सोच रहे थे कि और क्या करा जाए, क्योंकि एनजीओ तो है और काम तो कर रहे हैं, तो हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्वच्छ भारत, ये सब प्रक्रियाओं में हम जुड़ गए हैं और उसको हम आगे भी ले जा रहे हैं। और ड्रीम अचीवर्स अवार्ड का मतलब यही था कि भी नाना नानी को थोड़ा अवेयर कैसे करा जाए। तो हमने एफडी फिल्म टुडे के साथ जुड़ के, जिसमें मैं अब जुड़ गया हूँ, एफडी से भी जुड़ गया हूँ, तो हम सोचे कि ड्रीम अवेयर, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड करके उनको प्रोत्साहन दें जिन्हें अवार्ड के काबिल हैं, और एक अवेयरनेस क्रिएट करके सोशल कॉज एंड अवेयरनेस को उसके हिसाब से हम इसको टेक फॉरवर्ड। थैंक यू। राजेश जी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड द वे ही इज ब्रॉट अप दिस शो इज फैंटास्टिक। I really applaud all his efforts और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो इससे बेहतर करेंगे। यार सपना कौन नहीं देखता है, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन आप सपनों को साकार कर सको इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए। सपना एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई ना देखे तो ज़िंदगी में शायद वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल अबाउट द ड्रीम्स विच वन हैज़ टू रियली ड्रीम एंड टेक इट फॉरवर्ड। हर कोई अपने आप सक्षम है, हर कोई चीज़ अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है। आई रियली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड दे डू वंडर्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइन फाइन, आप कैसे? आ जा साथ में, आ जा। ये पोस्ट ले लो, प्री हो गया पोस्ट। आज का जो ये फंक्शन है बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है, और इसमें एज अ गेस्ट सिंगर मैं और मेरी बेटी स्नेहा शंकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिल्म्स टुडे और नाना नानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित है ये कार्यक्रम, जो ड्रीम अचीवर्स अवार्ड। फिल्म्स टुडे के श्री राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये
इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजेश श्रीवास्तव जी को मैं शुभकामना दूंगा। और आज के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम गवर्नर साहब भगत सिंह जी कोश्यारी जी थे आज के मुख्य अतिथि, तो उनके समक्ष गा के और स्नेहा को भी गवा के बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि अलग अलग फील्ड के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया उनके काम के लिए, उनके उनकी सेवाओं के लिए। अच्छे श्रीवास्तव जी का फिल्म स्टूडियो का एक बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही मज़ा आया इस कार्यक्रम में मुझे आके और गा के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कलाम साहब कह के गए थे कि सपना जाग के देखना चाहिए, सो के नहीं, तो ये तो ड्रीम अचीवर अवार्ड है और ये अवार्ड पाने के बाद और सपना देखेंगे लोग, सपना देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अवार्ड एक जिम्मेदारी होती है, कुछ करने की जिम्मेदारी। अवार्ड खाली पाने की नहीं और खाली टंगा के रखने के लिए ही, सजा के रखने की नहीं। तो मैं समझती हूँ ये अवार्ड पाने के बाद जो नाना नानी फाउंडेशन एंड फिल्म स्टूडियो ऑर्गेनाइज करके सबको और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दे रहे हैं, ऐसे भी वो बहुत कामयाब हैं जिनको मिला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सपने की कोई अंत नहीं है और ये ख़ास अवार्ड है जो कि सपना देखने के लिए है, और भी सपना देखेंगे और भी ऊंचाइयों में जाएंगे। ये मैं देखिए, वाकई सम्मान तो एक सम्मान होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अवार्ड हो या कुछ हो। ड्रीम अचीवर अवार्ड इसमें जो जितने भी हैं, तो मतलब सारे जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सब हैं। मुझे मौका मिला है कि मैं, हालांकि मुझे लगता है कि सबसे कम अचीव मैंने किया है जितने सारे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये है कि ये इस तरह के अवार्ड होते हैं तो जो एक करने की आपकी उत्साह होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कुछ आप करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए या किसी फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो ऐसे अवार्ड ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि इंसान और दोगुने उत्साह से काम करे, ज़्यादा काम करे। थैंक यू, नमस्ते। वैसे आज तक यकीन करेंगे मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। मैं बिग बॉस शो में ज़रूर गया, फाइनलिस्ट बना शो का, मगर मैंने अपना सीज़न नहीं देखा कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता और कोई था रीज़न था उस कारण मैं चला गया उस शो में। उस शो ने मुझे फ़ायदा दिया, अच्छा दिया, फेम दिया, नेम दिया, बाकी शो भी किए, मगर अच्छा है बिग बॉस भी ठीक। इस साल का सबसे नंबर वन शो है तो उसको लेके आप भी सीजन का हिस्सा रहे, लेकिन नहीं, जिस सीज़न में हम थे ना, उस सीज़न को इनको अवार्ड मिला था, सीज़न 7 में था शायद, मैं अब तक का सबसे बेस्ट था। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हर साल सीज़न कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनके फ़ोन आते हैं मुझे कई बार मेकर्स के कि भैया वो ट्वीट कर दो या वीकेंड पे आ जाओ, तो थोड़ा सा बिजी हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि एक यार मैं सोचना मेरा करना थोड़ा डिफरेंट है, बिग बॉस थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें करता हूँ, अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, मालिक की दया से कोशिश कर रहा हूँ, ढेर सारे बच्चों का जरिया बनना, मोटिवेट करना, वो डिफरेंट है। बाकी मुझे मौका मिला तो मैं पक्का फॉलो करूँगा, एक ट्वीट भी करूँगा। मैं सबको यही कहना चाहूँगा भैया देखो कि क्या है कि ज़िंदगी भी बिग बॉस की तरह है, मगर बाहर है, वहाँ पे प्यार से रहो, प्रेम से रहो, आराम से रहो, और जितना प्यार से रहोगे ना पब्लिक उससे ज़्यादा पसंद करेगी। और याद रखो जीतने वाला लाइफ में कुछ नहीं करता तो इसलिए खुश रहो। जी मैं वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं विश करना चाहूँगा मेरे मदर फादर को कि भैया सबसे पहला प्यार वही है, उसको उसकी इज्जत करो, उनके पैर छुओ, और सभी को ढेर सारी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। थैंक यू। उत्साह से इंक्लूडिंग मी बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के, एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मेरी एक फ्रेंड है लीज़ा, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके पहले स्नेहा वॉज सिंगिंग। सो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। सारे
सो ये जो फेलिसिटेशन किया जाता है, जो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए जब उसके काम को सराहना मिलती है तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करें हम लोग, अपना दिल से मेहनत करके और भी अच्छे से यू नो हमारा जो भी आर्ट है उसको प्रेजेंट करें. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है फिल्म स्टूडे का. तो जो है एसोसिएशन हमारा पुराना ही है, पिछले साल भी जब ये अवार्ड्स हुए थे तो भी मैं आई थी. मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब भी इस तरह का ये अरेंजमेंट करते हैं, एंड भगवान करे कि ये नेक्स्ट टाइम और भी बड़ा और अच्छा लेवल पे हो. और अभी जो हो रहा है वो तो कमाल ही है, बहुत ही बढ़िया है. एंड ऑल माय बेस्ट विशेस. कितनी खुशी होती है जब गुरु के सामने उसके शिष्य परफॉर्म करते हैं, इसने आने परफॉर्म किया, राइट? व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, क्या फीलिंग थी? अरे स्नेहा के जो गुरुजी है ना वो तो उसके साथ है, जो उनके उसके पिताजी है ना वो उसके सबसे बड़े गुरुजी हैं. इनफैक्ट हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनके म्यूज़िक से, जो भी वो उन्होंने आज तक किया है अपने कार्य में. और वो यू नो उनके साथ मैं, उन्होंने इनफैक्ट रामशंकर जी की बात करी हूँ मैं, उन्होंने मुझे भी जज किया हुआ है सारे गामा पा में. सो दे आर द होल फैमिली इज़ वेरी यू नो ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल मेरी नज़र में. सो स्नेहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है. एंड जिस तरह से आपने मुझे बोला तो हमारा जो शो था सुपरस्टार सिंगर, उसकी तो सुपरस्टार थी ही, और सिंगिंग का कल जो कि फ्यूचर आने वाला वो आप देख सकते हैं कि वही है. सो शी इज रियली डूइंग वेरी वेल. ऑल माय बेस्ट विशेस टू हर. सो ये जो ईयर शुरू हुआ है 2020, बहुत अच्छा शुरू हुआ है. सबकी दुआओं से बहुत बैंग के साथ आए हैं. मेरे दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं अभी इसी मंथ में. एक तो जवानी जाने मन में गाना आया है, गल्ला कर दी विद जैज़ी बी पाजी. सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इतना बड़ा गाना आना एंड इतने अच्छे बैनर के साथ में. और फिर उसके बाद मेरा एक सिंगल रिलीज़ हुआ है मीत ब्रोस के साथ में अभी भी, एक डायमंड द हार, विच इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. सो आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसी तरह से प्यार देते रहिए. और भी नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है मीत ब्रोस के साथ में एक और गाना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं. एंड उर्वशी राउतेला जो कि मेरी इस वाले सॉन्ग में भी वीडियो में वही है, उनकी एक फिल्म आएगी उसमें मैंने कुछ गाने गाए हैं. सो ये सब प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है सबके लिए. सो प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. श्योर. मुझ पे नजर ना टिकाना, कातिल मेरी आंख दा निशाना. लेट मी लव यू, let me love you. हर मुंडा प्यार मैनू करदा, ढूंढे मिलने का बहाना. let me love you, let me love you. जिन तेरा दिल लुटिया, ओहो जिन तेनु मार सुटिया, हो जिन तेरा दिल लुटिया. लक पतला बलोरी ओद नैन नैन, गली सुन के लारे ओद लैन लैन. गल्ला कर दी शायद तू मिटिया, जिन तेरा दिल लुटिया. ये हाँ जी, हाय गाइस, पहले मैं कुणाल सिंह, आप मुझे देख रहे होंगे नागिन में. सो गाइस मैं बताना चाहूँगा ये मेरा लाइफ का पहला अवार्ड है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचा हूँ. सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और थैंक यू नाना नानी अवार्ड फिल्म टुडे, थैंक यू सो मच. आजकल जी मेरा सीरियल चल रहा है नागिन 4 चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, प्लेइंग मानस. सो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और उम्मीद है कि और भी ज़्यादा प्यार मिलता रहेगा. अवार्ड से आगे बढ़ने का चांस मिलते हैं, कितनी खुशी होती है अवार्ड देने वार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? जी इसकी कोई फीलिंग जो होती है ना, ये फीलिंग कोई समझ नहीं सकता है. जिसके ऊपर जिसको अवार्ड मिलता है और जिसको अवार्ड मिलता है तो वही समझ सकता है, क्योंकि अवार्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मिलता है. और ये आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ. जी मेरे नागिन तो आपको पता ही है, इट्स अ फेमस फ्रेंचाइजी, तो नंबर 1 पे चल रहा है अभी भी. हमारी TRP नंबर 1 या नंबर 2 पर नीचे रहता है कभी कभी. सो मेरे करेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिफरेंट प्ले कर रहा हूँ पहले सीरियल से. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं. थैंक यू. बस काम पे लगे हैं. हाँ, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड मैं समझता हूँ कि एक हर ड्रीमर के लिए एक ऐसा अवार्ड है, अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो ज़रूर हासिल कर सकता है. लेकिन मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको अवार्ड लेना है जीवन के अंदर, तो आप जो है ना ड्रीम्स आंखें खुली करके करिए, आंखें बंद करके कभी सपने नहीं लिए जाते हैं. जो इंसान आंखें बंद करके सपने लेता है वो सिर्फ नींद में सोता है, अवार्ड नहीं जीतता है. सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी के अंदर
हैव ए स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपना एक गोल बना कर रखिए, एक निश्चय बना कर रखिए, और कभी ये मत कहिए कि मुझे करते हुए 10 साल 20 साल 30 साल या 40 साल हो चुके हैं। ये कहिए कि मैं आज ही इस शहर में आया हूँ, बम्बई मायानगरी के अंदर, और मैं आज ही आके इस शहर के अंदर अपना मकाम हासिल करना चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू दोज जिनके दिलों में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए एक जज्बा है, एक मादा है। सो दे कैन विन ऑल द अवार्ड्स, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड एंड मैनी मोर अवार्ड्स इन लाइफ। सो ऑल द बेस्ट। ओके, शाहिदा परवीन गांगुली। सर बात करें, क्या कहना चाहेंगे आज के अचीवर, ड्रीम अचीवर? मैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी और श्री श्याम सिंघानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक देती हूँ कि उन्होंने सब जितने ड्रीम अचीवर्स अवार्डी थे उनको यहाँ पे सम्मानित किया, और उनको अनसंग हीरोज़ को यहाँ पे बुला के सबके सामने, ये बहुत बड़ी बात है, वरना मैं उनको ये इतना बड़ा मंच देना बहुत 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 बड़ी बात है। आपके पैसे के बारे में क्या आपसे जाना था? मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा बहुत देश के लिए और अपने वतन के लिए हमेशा लड़ती रही है, और वो मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेव पुलिस फोर्स है, जो अपने देश के लिए बगैर किसी डर खौफ और अपने घर के भी दुश्मनों के साथ लड़ रही है।